और हाथरस हादसे के बाद वाराणसी में आयोजित सत्संगों में लोगों की कम संख्या देखी जा रही है। काशी विद्वत परिषद ने भी फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बड़ी बैठक करने का ऐलान किया है। काशी विद्वत परिषद ने यह ऐलान किया कि एक हफ्ते में साधु संत और अखाड़ा प्रमुखों की एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई और धर्मशास्त्र के जानकार को इकट्ठा करने की अनुमति होगी। इस पर सहमति के साथ गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा जाएगा। कल की इस घटना से बहुत मर्माहत है काशी विद्वत परिषद, और काशी विद्वत परिषद बहुत जल्दी एक सप्ताह के अंदर अपनी मीटिंग बुलाने जा रही है, और इसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से भी संवाद अभी कल हुआ है हमारा, और हम लोग मिल करके एक निश्चित एक मान बिंदु निर्धारित करना चाहते हैं। देश के गृहमंत्री को भी पत्र लिखा जाएगा और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश में तो इसको लागू करा दिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के अगर धार भेषों को बदल करके, इस तरह की कथाओं को, इस तरह के प्रवचन सत्संगों को, तथा कथित जो भीड़ को जुटाने का काम करना है, क्या वस्तुतः वो इस विद्या के पारंगत पंडित हैं, विद्वान हैं, क्या उन्होंने इस तरह की महारत हासिल की है, इस तरह की इतनी बड़ी भीड़ जुटाने पर उनसे एक स्वयं शपथ पत्र प्रशासन को लेना चाहिए जब इस तरह के आयोजक उन्हों करें कि कोई घटना होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी, जिससे उन पर तत्काल FIR हो और तत्काल वो जेल के अंदर जाएं। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से देखा जाए हाथरस की जो घटना है बड़ी दुर्दांत और यह दुखद घटना है। सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि कोई भी सभा या समारोह के पहले वहां व्यवस्था सुदृढ़ रखनी चाहिए कि जैसे इस प्रकार की घटनाएं न घटें। हाथरस की घटना के बाद वाराणसी में भी जहां सत्संग हो रहे हैं वहां भीड़ जो है वो काफी नियंत्रित हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत कम भीड़ बुलाई जा रही है और जितनी परमिशन है उतनी ही भीड़ की अनुमति यहां पर दी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हाथरस में सत्संग के दौरान हादसा हुआ और सैकड़ों जाने चली गई, इसकी बात काशी विद्युत परिषद भी लगातार ये कह रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर काशी विद्युत परिषद एक बृहद बैठक करने वाला है, जिसमें अखाड़ा परिषद के सारे लोग आएंगे, साधु संत आएंगे और सारे लोग मिलकर ये निर्णय लेंगे कि अब जो भी देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कथा होगी वहां पर ऐसे कथावाचक को ही परमिशन दी जाए जो वाकई में कथावाचक हो, उनका कोई आपराधिक इतिहास ना हो और उतनी ही भीड़ बुलाई जाए जितने की परमिशन हो, जितने की व्यवस्था हो। इसके लिए एक बड़ी बैठक काशी विद्युत परिषद की होने वाली है। फिलहाल वाराणसी में जो भी यहां पर कथा हो रही है वहां पर भीड़ को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखा गया है, अधिकतर जगह खाली कर दी गई है ताकि हाथरस जैसी घटना फिर से कहीं रिपीट ना हो। पर काशी विद्युत परिषद का ये बड़ा ऐलान है कि कुछ ही दिनों में ये बैठक होगी जहां पर अखाड़ा परिषद और साधु संत और अखिल भारतीय संत समिति मिलकर ये निर्णय लेंगे कि अब ऐसे बाबाओं को ही अनुमति दी जाए जो वाकई में धर्मशास्त्र के जानकार हो और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8, वाराणसी।